रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बारात का पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चैलेंज टाइम दाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से लास्ट वीडियो का एंड किया था। जिसने वो वीडियो देख लिया उन सबका बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी वो लिंक ऊपर शो आप जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे कि उसमें निकाह तक मैंने आपको दिखाई थी, निकाह और उसकी विध तकसीम हो रही थी। उसके बाद जी निकाह के बाद होता है खाना, तो यहाँ पे जी खाना आ चुका था। सबसे पहले उन्होंने जो है ना सैलड रखा था, तो यहाँ पे सब लोग जो है ना सैलड वगैरह इंजॉय कर रहे थे। और अशल फातिमा को जी ये फूल पसंद आ गया, तो ऊपर उन्होंने आर्टिफिशियल जबकि ये फूल था रखा हुआ था डेकोरेशन के तौर पे, तो अशल फातिमा कहती मैंने यही फूल खाना है। जब उसको निकाल के दिया ना तो अब उसको पता चला कि ये आर्टिफिशियल है, तो फिर उसने जो है ना इधर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे सब लोग खाना इंजॉय कर रहे हैं, खाना बहुत ही मज़े का था। खाने में जी सैलड था जो सबसे पहले उन्होंने रखा था, उसके बाद जी चिकन था स्टीम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, उसके साथ जी छोटा गोश्त था, साथ में नमकीन चावल थे और मीठे में जो है ना रसमलाई थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, नान थे। और ये इस तरह की जी सारी चीज़ें थी खाने के अंदर जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी। उसके बाद जी यहाँ पे देखें जी मेरी गुड़िया माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये ना मेरे भतीजे ने कुल्ला उतार के रखा था, तो ये कह रही थी मैंने पहनना, तो फिर मैंने इसको पहना के ना वीडियो बनाई, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो फिर इसको मैं कह रही थी हैंड नीचे करो अभी ना उतारो। तो उसके बाद जी हम इस साइड पे आ गए थे, यहाँ पे हो रही थी ब्राइडल और ग्रूम की एंट्री, जो कि मेरे भाभी के भाई और भाभी हैं, क्योंकि उनका आज वलीमा था, उनकी भी साथ शादी हुई थी, तो उनकी एंट्री हो रही थी। फिर मैं और आप इस साइड पे आ गए, अपनी आपको लुक दिखाते हैं, आप लोगों ने बताना है कि हम दोनों के ड्रेस कैसे लग रहे हैं। ये हम दोनों ने ड्रेस बनवाए थे बारात के, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, और ये हमारी आज की लुक है दोनों की। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम दोनों बहने कैसी लग रही थी। फिर जी हमारी ब्राइडल की एंट्री हो रही थी, जो कि मेरी भाभी हैं, उनकी अपने भाइयों और भाभियों के साथ, तो उनके ये साइडों पे जो है ना ये उनके भाई और साथ में उनकी भाभियाँ खड़ी हैं, तो उनकी जो है ना एंट्री हो रही थी। उनके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने एंट्री की थी, ज़्यादा जो मतलब कि फायर वगैरह चलाते हैं या कोई चीज़ इस तरह से कोई भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सिंपल तरीके से की थी। हाँ अलबत्ता जब उनके भाई भाभी की हुई थी उसमें उन्होंने चलाए थे, लेकिन जब भाभी की एंट्री मतलब कि हमारी भाभी की हुई थी उसमें उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये लाइट उसके अंदर चल के भाभी आ रही थी अपने भाइयों और भाभियों के साथ। बस ये सिंपल सी उन्होंने जो है ना एंट्री की थी, बस सॉन्ग हल्के हल्के चल रहे थे, उसके अलावा जी कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना उन्होंने एंट्री की थी। जब स्टेज के पास आए थे तब उनके भाई और भाभी पीछे हो गए थे, फिर खुद ही भाभी जो है ना चल के आई थी आगे, फिर भाई ने जो है ना हैंड पकड़ के उनको स्टेज के जो है ना ऊपर किया था। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही सिंपल तरीके से भाभी की एंट्री हुई थी। आपको कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद अब हो रही है जी दूध पिलाई की रस्म, तो ये जो दोनों रेड सूट वाली हैं ना ये दोनों भाभी की सिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना दूध पिलाई की रस्म की थी, और जो इस साइड पर बैठी हुई है ना पर्पल ड्रेस वाली वो भाभी की जो है ना भाभी हैं। तो यहाँ पे जी दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। यहाँ पे मैंने सबसे मुश्किल वीडियो बनाई थी, मतलब के बिल्कुल भी पाँव रखने के जिसको कहते हैं ना स्टेज पे वो भी जगह नहीं थी, क्योंकि एक साइड पे इधर ये ब्राइडल और ग्रूम बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे जिनका वलीमा था वो ब्राइडल ग्रूम बैठे हुए थे, बस गेस्ट जो हैं सारे जो हैं स्टेज के ऊपर आए हुए थे, मतलब के जो लड़की वाले भी थे, जो लड़के वाले भी थे, जो दूसरी लड़की वाले भी थे, इस तरह से जो है ना तीन ग्रुप बने हुए थे, कोई उस साइड पे खड़ा, कोई उस साइड पे खड़ा, कोई उस साइड पे खड़ा, इस तरह से ना इतना यहाँ पे रश लगा हुआ था ना कि पाँव रखने की भी जो है ना स्टेज पे जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये छोटा सा मैंने जो है ना क्लिप बनाया था दूध पिलाई का, उसके बाद जो ये हमें गिफ्ट वगैरह मिले थे हाला लोगों को उनका बनाया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पिलाई में जब भाई ने जो है ना पेमेंट वगैरह की, फिर भाभी की सिस्टर चली गई, उनके बाद ये बारी आ गई थी इनकी गिफ्ट वगैरह की, जो कि सबसे पहले जिन्होंने गिफ्ट दिया ना मतलब कि घड़ी पहनाई है भाई को, वो भाभी के मामू थे। उसके बाद जी उनके बड़े भाई ने जो है ना भाई को रिंग पहनाई थी, और जो छोटे भाई हैं ना उन्होंने चेन पहनाई थी, उनको कंगन डाले थे, और जो मेरी आपी है ना उनको एयरिंग डाले थे। तो ये सारे गिफ्ट जो है ना गोल्ड के उन्हें उधर से मिले थे मायके वालों से भाभी के। तो उसके बाद जी हम बाहर आ गए थे, बाहर आके हमने सोचा अपनी पिक वगैरह बनाते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, फिर हम बाहर रोशनी में आ गए। तो अब बारी आ गई है जी रुखसती की, यहाँ पर जो है ना रुखसती होने लगी थी, अब हम भाभी अपनी ले कर अपने घर चले जाएँगे। तो जी तकरीबन सब जितने भी गेस्ट वगैरह हमारे मतलब कि बारात के जो आए हुए थे ना सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हुए थे, कुछ गाड़ियों में बैठ गए हुए थे, कुछ जो है बाहर अभी खड़े थे,
कि जब ब्राइडल की गाड़ी चलेगी तब जो है ना सबकी गाड़ी चलेंगी। कुछ जो है ना वो निकल भी गए हुए थे कि चले हम जाने से पहले जो है ना घर पहुंच जाते हैं, तो हम अभी खड़े थे, हम कह रहे थे जब भाई की गाड़ी चलेगी ना तो फिर हम जो है ना अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं। तो फिर इधर मामा कह रहे थे कि चलो जो है ना गाड़ी में बैठो, तो यहाँ पे अशल फातिमा जो है ना बाग कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी बस, क्योंकि अभी उसको जो है ना फ्री माहौल मिला हुआ था, यहाँ पर इतना लाश नहीं था। जब हम आए थे तब तो इतना लाश था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है ना बहुत कम हो गया था। तो यहाँ पे फिर ड्राइवर जो भाई हैं ना जिनके साथ हम आए थे वो भी कह रहे थे जी दुल्हन गाड़ी में बैठ गई है, तो अब आप लोग भी गाड़ी में बैठ जाओ तो चलते हैं हम लोग घर। तो यहाँ पे फिर हम भी गाड़ी में बैठ गए थे। उसके बाद हम बाहर निकल आए कि बाहर जाके खड़े होते हैं जब दूल्हे की गाड़ी चलेगी ना तो उसके साथ साथ ही चलेंगे। तो भाई ने फिर इस तरह से किया कि हम गेट से जो है ना बाहर आके खड़े हो गए थे। फिर यहाँ पे जो है ना भाई की गाड़ी आगे लगी थी, उसके पीछे जो सारी जितनी भी गाड़ियाँ थी ना सारी उसके पीछे पीछे चल रही थी, ताकि जो है ना सब एक साथ जो है ना घर पहुंचे। जी हम आ गए घर। घर आते ही हमने फूलों की पत्तियों के साथ जो है ना ये वेलकम लिखा था, साथ में ये रास्ता बनाया, बकाया फूलों की पत्तियां हमने प्लेटों में डाली जो कि हमने भाभी के ऊपर फेंकनी थी, ताकि भाभी को अच्छा अच्छा फील हो। शानदार उनका वेलकम किया था हमने, किस तरह से किया वो आप लोग देखें, फिर मैं आगे आपको मिलती हूँ। हमने घर से थोड़ा पीछे खड़ा करके आगे जो है ना सारे अनार सेट किए थे वो फिर हमने चलाए। तो फिर उसके बाद फिर हम जो है ना गाड़ी को आगे लेके आए थे, गाड़ी आगे आई थी, फिर हमने जो है ना भाभी को निकाला और ढोल वाले साथ साथ ढोल बजा आ रहे थे। यहाँ पे सारी चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, मतलब कि जैसे कि तेल हो गया जो डालना है उधर वो, और हाला को भी बुलाया गया था कि आ जाएं गाड़ी से भाभी को निकालना है। इस वजह से सबसे पहले यहाँ पे तेल डाला जाएगा दोनों दरवाजे की दोनों साइड पे, तो फिर जो है ना भाभी हमारी अंदर आएंगी। इस वजह से पहले हाला को बुलाया गया होता क्योंकि ये काम जो है ना माएँ करती हैं, तो वो फिर तेल वगैरह डाला गया था। फिर जो है ना अब हमारी भाभी जो है ना घर में अंदर एंटर हो गई थी। तो अब जो है ना आगे आगे देखें जी कैसे कैसे हमने भाभी का वेलकम किया था, तो फिर आगे मैं आपको मिलती हूँ। के घर आते ही रस्में हो गई थी स्टार्ट बाहर वाले गेट से। भाभी जब अंदर वाले गेट में एंटर हुई थी तो यहाँ पे भाभी को रोक दिया गया था कि यहाँ पे खड़े हो जाएं, भाभी को खड़ा करके। तो यहाँ पे फिर भाई ने जो है ना भाभी को पैसे दिए थे, इसको कहा जाता है जी ब्रू फड़ाई, जो के हम लोग तो यही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और किस किस की हाँ ये रस्म होती है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे भाई ने जो है ना जो न्यू दुल्हन आती है ना ससुर उनको पैसे देते हैं, तो फिर भाई ने यहाँ पे जो है ना पैसे दिए थे भाभी को। उसके बाद जी भाभी अब चल के अंदर आएंगी। अब यहाँ पे एक और रस्म होगी, यहाँ पे भाभी जब अंदर आई थी ना तब यहाँ पे एक और रस्म हुई थी जो पानी जो है ना वारते हैं यहाँ पे। ये देखे यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हाला ने भाई और भाभी दोनों से ना पानी सात सात दफ़ा जो है ना पानी वारा जाता है। तो जब पानी वारते हैं ना तब जब तीन दो दफ़ा जो है ना नहीं पीने देते, जब तीसरी दफ़ा वारते हैं ना तब जो है ना माँ को पीने देते हैं। उसके बाद जी पहले पानी जो है करते हैं, उसके बाद जो है ना मिठाई की जाती है। तो हाला ने पानी का किया था, और जो मिठाई है ना वो जो मेरी हाला की बड़ी नंद है ना उन्होंने किया था, जैसे कि मैंने मेहंदी वाले फंक्शन में भी आपको बताया था, जिसने वो वीडियो ये देखी हुई है बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी हुई ना वो लिंक ऊपर शो हो रहा है आप जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि ये इनकी माँ है, तो उन्होंने वो रस्म की थी, और जो है ना पानी वाली वो हाला ने की थी।
वाले चले गए हैं जी हमारी भाभी का आपको वेलकम कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जी बारी आई थी एक ये रस्म होती है कुरान पाक पढ़ाने की, ये जो न्यू दुल्हन आती है उसको कुरान पाक पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे भाभी को जो है ना कुरान पाक दिया गया था, फिर वो पढ़ेंगी थोड़ा सा, बेशक एक आयत पढ़ें या एक लाइन पढ़ के, तो बाद में फिर इसके अंदर पैसे रखे जाते हैं, जब पैसे रखते हैं ना वो बाद में जो है ना वो मस्जिद वगैरह या इस तरह से मदरसे वगैरह उधर दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये वह रस्म की जा रही थी क्योंकि ये लास्ट थी, बस यही तीन होती हैं मैंने जो देखी हुई हैं, वो अपनी मर्जी के आगे और भी हम जो है ना कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो मेन है ना वो यही होती हैं। किस किस के यहाँ ये सारी रस्में होती हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों ने ना ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर फिर देखें जी भाभी ने कुरान पाक पढ़ लिया था, उन्होंने फिर उसके अंदर पैसे रखे और कुरान पाक वापस दे दिया। यहाँ पर जी बारी आ गई थी आपी की कुल्ला और माला उतारने की, तो यहाँ पर जो है ना आप जो है ना आप ही को पैसे देंगे, तो हम लड़कियों की खूब मौज होती है जब भाइयों की शादी होती है ना, तो बहनों की तो खूब मौजें लगी होती हैं, खूब रुपये मिलते हैं, पहले भी जो है जब बारात जाने लगती है तब मिलते हैं, जब बारात आती है तब मिलते हैं, खूब मौजें लगी होती हैं। तो यहाँ पे फिर जब यहाँ पे भाई ने फिर ना आप ही को पैसे दिए थे, बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं था किया क्योंकि भाई का रूम जो अब मैं ऊपर गई थी अभी रेडी हो रहा था इस वजह से, और फिर हमारे रूम में इतना खलारा पड़ा हुआ था जब हम रेडी होके गए थे, तो इस वजह से जो है ना वो सारा कुछ समेटना था, मैं और आप ही उस काम में लग गए थे, तो इस वजह से मैंने इसके बाद जी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ठीक है जी माजरत, बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो मैं चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी अल्लाह हाफिज़।